हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ब्रजेश, आपका अपना चैनल ग्रीन भारत पर आपका स्वागत करता हूं। वे परमानेंट प्लांट्स जिन्हें आप फरवरी मंथ में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, उन प्लांटों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इनमें से अगर कोई भी प्लांट आपके गार्डन में नहीं है तो आप कहीं से भी आपको दिखे तो उसकी कटिंग ला कर आप लगा सकते हैं, वो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इस लिस्ट में हम फर्स्ट नंबर है हमारा स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया। इसकी कटिंग या पत्ते से या इसकी रूटिंग लेकर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसमें ये देख रहे हैं, इसकी या तो आप इस प्रकार से पत्ते ले लीजिएगा या इसकी कटिंग लेकर किसी सैंडी सॉइल में लगा दीजिएगा और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इससे बड़ी आसानी से पौधा आपका ग्रो हो जाएगा और बहुत सारी वेराइटियों में पाया जाता है। इस लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, जो कटिंग विधि से लगा सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सेकंड लिस्ट पर है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को वैसे तो आप सीड से उगा सकते हैं, लेकिन आप फरवरी मंथ में भी इसकी कटिंग से उगा सकते हैं। इसकी 3 से 4 इंच लंबी कटिंग लेकर आप किसी भी सैंडी सॉइल में लगा दीजिएगा और आसानी से ग्रो हो जाएगा। गाइज, अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो उसकी कटिंग लाकर आप इस पौधे को लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से पौधा लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट इज कैलेंचू। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये छोटे कंटेनर में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट इज वंडरिंग ज्यू। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। फ्रेंड्स, ये कई वेराइटियों में पाया जाता है। आप इसकी कटिंग लगाकर अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसकी आप ये देख रहे हैं, इसमें एयर रूट ऑलरेडी निकली होती है। इसकी आपको कटिंग लेकर और मिट्टी में इसको लगा देना है, उसके बाद इसमें वाटरिंग कर देना है और बहुत ही ईजिली आपका ये पौधा ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आपको कहीं से मिले तो इसकी कटिंग लाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और एक से अधिक गमलों में इसको तैयार करके रखना चाहिए। एक गमले का अगर खत्म हो तो बाकी का आगे चल जाए। नेक्स्ट प्लांट है टर्टल वाइन। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और ये गर्मियों में आपको बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पौधा है, क्योंकि गर्मियों में हरियाली खत्म हो जाती है तो इस तरह के पौधे हमारे गार्डन को हरियाली बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसकी कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपके घर पर नहीं है तो आप नर्सरी वाले से भी इसकी कटिंग लाकर मांग कर लगा सकते हैं। इसको इस तरह से डालकर इसमें थोड़ा मिट्टी डाल दीजिएगा, ऊपर से थोड़े मात्रा में पानी डाल दें और बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। गाइज, इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट पर्पल हार्ड है। इसकी भी कटिंग बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके लिए ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। और इसमें लगाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में पानी डाल दें तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। और यह इस प्लांट को आप अपने फ्रेंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको अगर पौधे की कटिंग मिले तो वहाँ से लाकर आप अपने घर में लगा सकते हैं। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट बड़ी आसानी से कटिंग विधि द्वारा लगाया जाने वाला पौधा है। ये एक शुभ पौधा माना जाता है, हर घर में होना चाहिए। इसके साथ साथ ये नेगेटिव एनर्जी को सोखता है और पॉजिटिव एनर्जी का हमारे घर में रिलीज करता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में मनी प्लांट नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से या कहीं से भी इसको कटिंग लाकर आसानी से लगा सकते हैं और इसके बाद इसमें पानी डाल दें। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट रियो। ये भी पौधा बड़ी आसानी से कटिंग विधि द्वारा आप फरवरी मंथ में लगा सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपके घर में ये पौधा नहीं है तो आप कहीं से इसकी कटिंग ला के आप अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ये देखिए कटिंग से लगा हुआ पौधा है जो कि इसमें रूटिंग आने लग गई है। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट आपका अजवाइन है। ये अजवाइन बहुत ही खूबसूरत होता है और ये आप कटिंग विधि द्वारा बड़ी आसानी से लग जाता है। ये पौधा आप जो देख रहे हैं, इसके बहुत ही इसको पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसको आप एक बार लगा कर छोड़ दीजिए, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला पौधा है। अगर आपके घर में नहीं है और कहीं आपको मिले तो इसको लाकर आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इज डेविल वेकवॉर्न। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। ये बहुत रंग बिरंगा पौधा होता है।
सर्दियों में इसके पत्ते रेड कलर के हो जाते हैं, ये अपने पत्तों का कलर बदलता है। आप इस पौधे को फरवरी मंथ में कटिंग विधि द्वारा लगा सकते हैं। ये पौधा एक मेडिसिनल प्लांट है, ये सूजन दर्द के काम आता है। आप चाहें तो इसको इसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट इस कैलिसिया फ्रेग्रेंस है, ये कटिंग विधि द्वारा लगाया जाने वाला पौधा है। ये एक हैंगिंग प्लांट है, इसकी कटिंग भी आप मंथ फरवरी मंथ में लगा सकते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं, इस पर ऑलरेडी यह रूट निकली हुई है, आप इसको लाकर आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है पौधा या आपके गार्डन में नहीं है तो कहीं आपको ये पौधा दिखे तो आप लाकर इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक और पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।